कोई वाणी बाद में आप बोलते हैं ना, ये ना कुछ तो बोलिए, तो इनको दीजिए फिर फोन। ठीक है ना। नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं वीआईपी न्यूज टुडे, मैं के सिद्धार्थ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी के सरकारी आवास पर, और यहां पर कुछ महिलाएं उनसे मिलने के लिए आई हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम बीना देवी है। कहां से आए हैं आप? मोकामा से आए हैं। मुकेश सहनी मंत्री जी से क्यों मिलना चाहते हैं? मुकेश सहनी मंत्री जी से मिलना इसलिए चाहे कि मंत्री साहब भी इस बात की थोड़ा आवाज़ उठाएं, क्योंकि हम लोग को जो ड्यूटी है जीरो, जब से ही माँ के गर्भ में जीरो से जन्म की शुरुआत होता है, उस टाइम से लेकर के समझिए कि मृत्यु तक दायरा, मैंने सरकार को हर माह हमको देना पड़ता है। और रही बात टीकाकरण की, टीकाकरण का भी बात होता है तो हम लोग को तो उसमें कुछ मिलता है नहीं, लेकिन सारा काम हम लोग को करना पड़ता है। तो मंत्री जी इसमें क्या आवाज़ उठाएं आप लोग? मंत्री जी से तो अभी नहीं मिल पाए हैं बढ़िया से, वो तो बिजी थे, लेकिन हम लोग जब ये मंत्री जी जब सरकार में बैठे हैं तो मेरा भी थोड़ा सा बात लेकर के वो बोले। अभी मंत्री जी का जो तीन विधायक है वो भाजपा में चला गया है, अभी मंत्री जो है अकेले हैं, तो क्या आप लोग उनके साथ हैं, उनको वोट देते हैं? अभी मंत्री जी जब उनको साथ, हम तो साथ हैं। आप साथ हैं ना? हाँ, हम लोग साथ हैं। एक और हमारे साथ में बैठे हैं, यहाँ आपका क्या नाम? मेरा नाम पूनम है। वर्तमान में जो सरकार यहाँ पर चल रही है, नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सरकार क्या काम कर रही है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार सिर्फ शराबबंदी, जीविका दीदी, यही उनका एक मंशा है, बाकी तो आंगनबाड़ी पे उनका कोई फोकस ही नहीं है। आंगनबाड़ी के बारे में न उनको कोई सूझबूझ लेने वाला ही नहीं है। उनसे हम लोग को काफ़ी उम्मीद थी कि वो हम लोग के लिए कुछ करेंगे, पर अब लगता है कि वो हम लोग के लिए कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ विजिट करवाएंगे और हम लोग का जो स्वस्थ है, हम लोग के दिल की धड़कन को तेज करेंगे। एनडीए के साथ में उनका गठबंधन की सरकार है, तो एक नारा सरकार देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कहेंगे? वो तो क्या कहें हम उसके बारे में कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो तो है, बेटियाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी में देखिए भविष्य। अभी आज जो धरना प्रदर्शन बिहार पटना में हुआ है, उसमें जो है हजारों लाखों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर थी, धूप इतनी तेज, मतलब धूप थी, भूखे प्यासे सुबह 7 बजे के बैठे थे, तो सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर आप खुल करके बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम खुल कर ये कहना चाहेंगे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, शिक्षित समाज होगा, समाज में काफ़ी बदलाव भी होगा, अच्छा लगेगा। पर दुर्भाग्यवश हम लोग के लिए, हम लोग भी तो औरत ही हैं, जब वो हम लोग के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कोई तो मायने ही नहीं रहता है। जब आंगनवाड़ी, एक आंगनवाड़ी सेविका कहाँ, आप कहते हैं कि हम सरकारी कर्मचारी नहीं है, ठीक, और कहाँ आप पूरा चीज हम लोग से करवाते हैं, BLO हो सर, क्या जनसंख्या का हो, जो भी काम है आंगनवाड़ी पे थोप दिया जाता है, उस पर इतना प्रेशर दिया जाता है कि मजबूरन बस हम लोग को वो काम करना ही पड़ता है। भी मंत्री जी से आप लोग मिलने आए हैं, तो जो आंगनबाड़ी का धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें क्या आप लोग मंत्री जी से उम्मीद रखते हैं? हम उनसे सहयोग लेने आए थे, कुछ इस मैटर पे कुछ बोले, पर अभी तो जान ही रहे कि उथल पुथल चल रहा है, इस बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। आप किस पार्टी को वोट देते हैं? वोट तो हम इन्हीं के पार्टी में है, VIP पार्टी में ही। VIP पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हाँ, उनको सपोर्ट। दोबारा से अभी विधायक चला गया है, कोई बात नहीं, मंत्री जी ने कहा है कि विधायक तो आते जाते रहते हैं, विधायक पार्टी नहीं बनाते हैं, पार्टी विधायक को बनाती है, हम फिर संघर्ष करेंगे, फिर जो है सत्ता में आएंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? वो सत्ता में फिर से आएंगे? हाँ, जरूर आएंगे, अब बहुत अच्छे तरीका से आएंगे, ताकि जो लोग कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरा विश्वास है कि ये इतना अच्छा से आएंगे सत्ता में कि हम लोग तो खुशी से झूमेंगे ही। अभी जो ये चल रहा है, हम लोग भी बहुत उदास हैं, उनका जो न्यूज देख रहे हैं हम लोग काफ़ी उदास है ये। आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? हम मोकामा से आए हैं, पूनम नाम है मेरा। तो क्या जगह का नाम बता? मोकामा।
पुकामा में जो लोग हैं वो बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हाँ, सपोर्ट तो करते हैं। चलिए देखिए, ये बहुत बढ़िया है, यहाँ पर ये लोग मंत्री जी से मिलने के लिए आए हैं और आंगनबाड़ी की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के इन लोगों की मांगे हैं और ये मांगे सरकार तक पहुँचनी चाहिए। आज बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन पटना के अंदर किया गया है और हमें आशा और विश्वास है कि सरकार इसको सुनेगी। अगर सरकार इसको नहीं सुनती है तो इन महिलाओं का दावा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। धन्यवाद, मैं एक सिद्धार्थ फिर मिलूंगा आप लोगों को। नमस्कार।